कराची में खिलाड़ियों का पारा हाई, एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। तहरीक इंसाफ के कराची जलसे में कुर्सियां जल गईं। हलीम आदल शेख और खुरम शेर जमान के हामी आमने सामने आ गए। एक दूसरे पर पथराव, शदीद नारेबाजी, 11 कारकुन जख्मी। 23वें योम तासीस पर मुनाकिद जलसा खत्म करना पड़ा। मरकजी क्यादत को हंगामा आरई की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का कहा है। हलीम आदल शेख बोले, कुछ शरपसंद अनासर पार्टी का नज्म व जब्त खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्ला खान न्याजी ने बदनज्मी का नोटिस ले लिया। निशवा की हलाकत, सिंध हुकूमत ने अदालती कमीशन का मुतालबा तस्लीम कर लिया। सूबाई हुकूमत आज नोटिफिकेशन जारी करेगी। निशवा के वालिद ने मुतालबा तस्लीम होने पर जोहर मोड़ पर जारी धरना खत्म कर दिया। अताई डॉक्टर्स और गफलत, नन्हे फूल मुरझाने लगे। गुलशन इकबाल कराची में गलत इंजेक्शन लगने से 8 साल सबा नूर दम तोड़ गई। अताई डॉक्टर अदनान गिरफ्तार। उधर मलीर में 3 माह का हुनैन भी जान से गया। वालिदैन यरकान के इलाज के लिए निजी अस्पताल लाए। नन्हा बच्चा डॉक्टर्स के तजुर्बात की भेंट चढ़ गया। IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वजारत खजाना ने मुजाकरात के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। 6 से 8 अरब डॉलर मिलने का इम्कान। दफ्तर खारिजा ने अमरीकी वीजे से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। तर्जमान डॉक्टर फैसल कहते हैं, मीडिया में फैलने वाली चैमगोइयां गुमराह कुन हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मशकूक पाकिस्तानियों की वापसी समेत कई मामलों पर बातचीत जारी है। अमरीकी सफारत खाने का काउंसलर ऑपरेशन मामूल के मुताबिक है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और पाक भारत कशीदा सूरत हाल, मेजर जनरल आसिफ गफूर आज दोपहर 3 बजे मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। जनूबी भारत को फिर अमन का पैगाम, पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। मजीद 8 भारतीय कैदी कराची जेल से रहा, आज वाहगा पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। पाक चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर, दोनों ममालिक में आजाद तजारती माहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान को आसियान ममालिक की तर्ज पर रायत मिलेगी। रेलवे के ML1 पहले फेज की मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत। वजीर आजम इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात, तमाम शोबों में मजीद तआवुन पर इत्तफाक। वजीर दिफा परवेज खटक के भाई लियाकत खटक आज खैबर पख्तूनख्वा के वजीर का हल्फ उठाएंगे। वजीर आला महमूद खान ने खटक को लियाकत खटक को काबीना में शामिल ना करने की यकीन दहानी कराई। क्या भाई बेटा इस तरह के जो लोग आए हैं असेंबली में, क्या वो भी काबीना का हिस्सा होंगे? मैंने पहले दफ़ा वो जब आपसे उधर मेरे ख्याल में पोलियो डे पे इनॉग्रेशन के लिए मैं आया था, उस पर मैंने आपसे कहा था कि कोई भाई बेटा नहीं आएगा। सर, ये कहा जा रहा है कि जो फेडरल कैबिनेट में शामिल हैं उनकी कोशिश है कि अपने उसको लाया जाए, इसलिए डेली टैक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।